आईपीएल का भूत। रात के 12 बज चुके थे, आईपीएल शुरू होने में बस कुछ चंद घंटे बचे थे। जयपुर सुपर किंग के कप्तान रणधीर शर्मा ग्रैंड होटल के बिस्तर पर खर्राटे ले रहे थे। अचानक होटल के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रणधीर शर्मा के कमरे में रोते रोते कोई प्रवेश करता है और सोए हुए रणधीर शर्मा से कहता है, तुमने मुझे टीम के बाहर निकाल कर रुलाया है, गंदा पॉलिटिक्स किया है मेरे साथ, देखना कल मैच में मैं तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी से सारा होटल थरथराने लगता है। शर्मा आंख खोलता है और सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है वहाँ पे। लाइट आ जाती है। रणधीर शर्मा के पीए मनसुख तिवारी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रणधीर के कमरे में भागते हैं। क्या हुआ सर, आपकी ये चीख मैंने सुनी। मनसुख वो वापस आया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मनसुख वो आया है। कौन सर, किसकी बात कर रहे हैं आप? राकेश वो तो मर चुका है। सो जाइए आप, कल मैच है, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा आपके लिए। मैं कल मैदान में नहीं उतरूंगा, मैच कैंसिल कर दो। मनसुख मैच कैंसिल कर दो। सर करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। सो जाइए सर आप, डोंट वरी, मैं रुकता हूँ यहाँ, आप आराम से सो जाइए। रणधीर शर्मा सोने का प्रयास तो करता है पर राकेश के ख्याल से उसकी नींद उड़ जाती है। दरअसल राकेश एक बहुत अच्छा प्लेयर था, इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने की क्षमता रखता था। जब वह खेलता था तो दर्शकों की सांसें रुक जाती थी, मानो कि राकेश दूसरा सचिन ही था। पर यह सब टीम के कैप्टन रणधीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। राकेश की तेज रफ्तार देखकर रणधीर को अपनी पोजीशन की फिक्र होने लगी और उसने अपनी पहुंच और पॉलिटिक्स का उपयोग करके राकेश को टीम के बाहर कर दिया। इस तरह राकेश के करियर को कुछ ऐसा ब्रेक लगा कि फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुबह होती है, मैच शुरू हो जाता है, दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भर जाता है, पूरा इंडिया टीवी के सामने सांसें रोक कर बैठ जाता है और रणधीर मैदान में उतरता है। तभी रणधीर की नजर ऑपोजिट टीम के एक लड़के पर पड़ती है। उसे देखकर रणधीर सोच में पड़ जाता है। वही नजर वही तेवर, कौन है ये? रणधीर ऑपोजिट टीम के कप्तान से पूछता है, ओए शर्मन ये बंदा कौन है यार, पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा सरप्राइज पैकेज है तुम लोगों के लिए, देखना ये कैसे धोता है तुम लोगों को। टॉस होता है, हाथ में बल्ला उठाए ऑपोजिट टीम का वही लड़का ओपनिंग करता है। रणधीर बॉलिंग करने उतरता है। रणधीर पहला बॉल डालता है तो वह लड़का बल्ला घुमाकर बॉल आसमान में ऐसा उछालता है कि मानो बॉल आसमान निकल गई हो। बॉल वापस ही नहीं आती, सारे हैरान हो जाते हैं। तभी वह लड़का रणधीर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वही आंखें, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट, ऐसा शोर तो राकेश ही मार सकता था। तभी यकायक उस लड़के में रणधीर को राकेश का भूत दिखता है और रणधीर बुरी तरह घबरा जाता है। ये मैच रोक दो, वो मुझे मार देगा, मैं नहीं खेलूंगा। अरे ये क्या, कैप्टन रणधीर अचानक से ऐसे क्यों बर्ताव करने लगे हैं? रोक दो ये मैच। रणधीर की हालत देखकर टीम के मालिक रणधीर के पास आते हैं। क्या हुआ, क्या पागलपन है? सर राकेश वापस आया है, वो मुझे मार देगा। और मैं हार गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जानता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं मैंने। तेरे कहने पर मैंने राकेश को हटा दिया था, वो होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। पागल हो गए हो क्या तुम? राकेश का भूत रणधीर के पास आता है और मुस्कुराता है। देखा, मैंने कहा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं।
ऐसा कहकर हंसते हुए बैटिंग करने निकल पड़ता है। रणधीर बुरी तरह डर जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। रणधीर कांपते कांपते बॉल फेंकता है तो राकेश का भूत जोरदार पलट वार करता है तो बॉल सीधे राकेश के पेट में आकर लगती है। राकेश जमीन पर गिर जाता है। स्टेडियम तालियां और चीखों से गूंज जाता है। रणधीर समझ नहीं पाता कि उसके जख्मी होने के बावजूद भी यह शोर कैसे। तभी उसके पास राकेश आता है और कहता है, हैरान हो गए ना, पर तुम्हें अब कोई नहीं देख सकेगा और मुझे भी, क्योंकि तुम तो यहाँ हो ही नहीं। वो देखो, तुम तो वहाँ मैच खेल रहे हो। रणधीर देखता है तो वह बॉलिंग कर रहा होता है। ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ हूँ, फिर वो कौन है? सब मेरी माया है, वो तुम्हारा क्लोन है। लोग उसे देखते रहेंगे और मैं इधर तुम्हें बीच ग्राउंड में ही निपटा दूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें कल रात को ही मार सकता था, पर मुझे तुम्हें यही मारना था, इसी ग्राउंड पर। राकेश का भूत घायल रणधीर को बल्ले से मारने लगता है। रणधीर चीखने चिल्लाने लगता है, फिर भी किसी का उस पे ध्यान नहीं जाता। सब लोग रणधीर के क्लोन को ही रणधीर समझ बैठे हैं और इधर राकेश रणधीर को मारकर घायल कर देता है। अचानक रणधीर का क्लोन गायब हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रणधीर कहाँ चला गया? वो तो बॉल लाने गया था ना। लगता है डर कर भाग गया होगा। लगता है रणधीर शर्मा हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने जीत अपोजिट टीम की झोली में डाल दी है। रणधीर के फैंस चिल्लाने लगते हैं, रणधीर शर्मा भगोड़ा है, रणधीर शर्मा हाय हाय। यह सुनकर घायल रणधीर दम तोड़ देता है। इस प्रकार राकेश का भूत रणधीर से अपना बदला ले लेता है। 15 अगस्त वाली चुड़ैल, 14 अगस्त की रात थी, रात के 10 बज रहे थे। 2 घंटे बाद आजादी का वह दिन शुरू होने वाला था जिसे पूरा हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे कहकर धूमधाम से मनाता है। उसी रात भारत चीन बॉर्डर पर सिपाही पहरा दे रहे थे। अच्छे से पहरा देना होगा, कल 15 अगस्त है, चीनियों का कोई भरोसा नहीं, कल के दिन कोई अनहोनी न कर दे। चिंता ना कर, चीनी क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। चीन और चिड़िया पर नहीं मार सकती तो क्या हुआ, चीनी चुड़ैल तो तबाही मचा सकती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर सिपाही फायरिंग करते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसती हुई हवा में उड़ने लगती है। इमरजेंसी, हेलो हेलो इमरजेंसी। 15 अगस्त की सुबह हुई, बाल मोहन विद्या मंदिर के सारे बच्चे और टीचर्स मैदान में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल मेहरा बच्चों को संबोधित करने लगे। प्यारे बच्चों और शिक्षकों, आज ही के दिन हमें आजादी मिली थी। हमारी आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जो आ रही है वो महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद जी निहलानी की परपोती मशहूर लॉयर नंदा श्रॉफ है। नंदा जी निकल चुकी है, कुछ ही देर में वे हमारे बीच होगी। नंदा श्रॉफ की कार बाल मोहन विद्या मंदिर की तरफ निकल आ रही थी। श्यामू जल्दी चलो, प्रिंसिपल सर के 3 कॉल आ चुके हैं। जी मैडम। चुड़ैल उड़ती उड़ती आती है और कार के छत पर बैठ जाती है। ओहो, ये तो चीफ गेस्ट की गाड़ी है, लगता है ध्वजारोहण करने जा रही है। पर चीफ गेस्ट तो मैं ही हूँ, हिंदुस्तान की तबाही मचाने आई हूँ और तबाही मचा कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छत पर कूदती है और नीचे कार में उतर कर नंदा श्रॉफ के शरीर में घुस जाती है। नंदा श्रॉफ चुड़ैल के वश में हो जाती है और हंसने लगती है। क्या हुआ मैडम, हंस क्यों रही हैं आप? बकवास बंद कर और गाड़ी चला चुपचाप। सॉरी मैडम। गाड़ी बाल मोहन विद्या मंदिर पहुंच जाती है। हमारी प्रमुख अतिथि नंदा जी आ चुकी है। प्रिंसिपल कार के पास आते हैं। नंदा कार से उतरती है। वेलकम मैडम, आइए। प्रिंसिपल नंदा के साथ स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को देखकर नंदा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आती है
ओहो, इतने सारे बच्चे, ये बच्चे हिंदुस्तान का भविष्य है ना? मैं इन बच्चों को ही मिटा दूंगी, हिंदुस्तान के सारे बच्चे मिटा दूंगी, ना रहेंगे बच्चे, ना रहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद प्रिंसिपल नंदा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है। बच्चों, नंदा जी स्टेज पर आ गई है। अब मैं नंदा जी को विनती करता हूं कि कृपया आप ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़िए। चलिए मैडम। अचानक नंदा जोर जोर से हंसने लगती है, उसका रवैया बदल जाता है, आंखें लाल हो जाती है, बाल बिखर जाते हैं। यह देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। मैं नंदा नहीं, चुड़ैल हूँ, चीनी चुड़ैल। नंदा को मैंने वश में किया है, मैं तुम सबको तबाह करने आई हूँ। आज ही के दिन तुम्हें आजादी मिली थी और आज ही के दिन तुम सब तबाह हो जाओगे। ऐसा कहकर हंसने लगती है। बच्चे डर जाते हैं। बच्चों, डरना नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक हम सारे भारतीय एक है, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर वह कोई दुश्मन देश हो या फिर दुश्मन देश से आई कोई चुड़ैल हो। बेवकूफो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं चुड़ैल हूँ। ना मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना मैं किसी हथियार से मरती हूँ। एक हथियार है हमारे पास और वह है राष्ट्रभक्ति। हमारी राष्ट्रभक्ति ही तुम्हें खत्म कर देगी। नंदा जी, भले ही इस चुड़ैल ने आपको वश में किया है, पर आप एक महान सेनानी की परपोती है, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ध्वजारोहण तो आप ही के हाथों होगा। नंदा जी, क्या आप मुझे सुन सकती है? ये पूरी तरह मेरे वश में है, ये तुम्हें नहीं सुन सकती। नंदा जी, मैं कहता हूँ आगे बढ़िए, आपकी रगों में एक स्वतंत्र सेनानी का खून है, आप कमजोर नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आगे बढ़िए, ध्वजारोहण कीजिए। मैं भी देखती हूँ ये कैसे आगे बढ़ती है। नंदा जी, आपको देश की कसम, आगे बढ़िए। और चुड़ैल हंसती है। अचानक नंदा धीरे धीरे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाने लगती है। ये कैसे हो रहा है, ये तो मेरे वश में है। नंदा जी, आगे बढ़ते रहिए, ये चुड़ैल हमें नहीं रोक सकती। इसके बाद नंदा चुड़ैल को खींचती हुई आगे बढ़ती है। नंदा ध्वज स्तंभ के पास पहुंच जाती है। बच्चों, डरना नहीं, मुझे विश्वास है हमारी राष्ट्रभक्ति के आगे यह चुड़ैल टिक नहीं पाएगी। हमारी राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान है, एक साथ सावधान। सारे बच्चे बिना डरे सावधान के स्थिति में आते हैं। नंदा जी, तिरंगा फहराइए। और नंदा हाथ आगे बढ़ाती है और ध्वज स्तंभ को छू लेती है। जैसे ही नंदा ध्वज स्तंभ को छूती है, चुड़ैल नंदा के शरीर से चीखती हुई झटका खाकर बाहर आती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसके बाद बच्चे राष्ट्रगीत शुरू करते हैं। भूतिया हॉस्पिटल। बहुत समय पहले किसी शहर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। असल में ये एक भूतिया हॉस्पिटल था, जहाँ के डॉक्टर और नर्सें सभी भूत थे। वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का इलाज करने के बहाने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते और फिर उन्हें मारकर उनका दिल खा जाते। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाकर बहुत अच्छा किया, अब आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज करेंगे। ये कहकर वार्ड बॉय जख्मी आदमी को स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। लेकिन कुछ समय बाद वार्ड बॉय वापस आया और बोला, माफ करना, जिस आदमी को आप लाए थे वो नहीं बच सका। लेकिन उसको तो बस पैर पर चोट आई थी। पैर पर चोट लगने से कैसे कोई मर सकता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वार्ड बॉय की बात सुनकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए और वार्ड बॉय अंदर ऑपरेशन थिएटर में आ गया। डॉक्टर साहब, मैंने उन आदमियों को भेज दिया है, अब हम आराम से इस आदमी को खा सकते हैं। बस ऐसे ही लोग हमारे पास इलाज के लिए आते रहे और हम उनका दिल खाकर रोज पार्टी करते रहे। बहुत महीनों तक ऐसे ही चलता रहा।
फिर एक दिन मोहित नाम का आदमी अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। लगता है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन इनके सीने में तो मामूली सा दर्द है। सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाकर इनका इलाज करता हूँ। वार्ड बॉय और डॉक्टर मोहित के पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले गए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहित के पास आए और बोले, माफ कीजिएगा, हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। क्या? लेकिन उन्हें तो मामूली सा दर्द था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। मोहित अपने पिताजी की लाश लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे डॉक्टर की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे पिताजी ऐसे नहीं मर सकते, मैं इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूँगा। ये सोच कर वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुँचा और चुपके से ऑपरेशन थिएटर में छुप गया। अब देखता हूँ ये डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, नर्सेस और वार्ड बॉय एक पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में आए। चलो इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सभी अपने भूतिया रूप में आ गए। ये देखकर मोहित डर से कांपने लगा। ये सब तो भूत है। चलो जल्दी से इसका दिल निकालते हैं। मजा आ गया। मुझे इंसानों का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा हमें भी खिलाइए डॉक्टर साहब। लो तुम भी खाओ और तुम भी लो। भूतों को इंसानी दिल खाते देख मोहित को उल्टी आ गई और भूतों ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे जाने दो। ठीक है चले जाओ, बस अपना दिल हमें दे जाओ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं एक दिल के बदले कल तुम्हें दो दिल ला कर दूंगा। क्या, दो दिल? हाँ, मैं कल दो इंसानों को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। एक के बदले दो, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुम कल नहीं आए तो। नहीं नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहित अपनी जान बचाकर भूतिया हॉस्पिटल से निकल आया। आज तो बच गया, लेकिन कल इन भूतों के लिए मैं दो आदमी कहाँ से लाऊंगा? वो ये सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने सामने दीवार पर लिखा देखा, बंगाली तांत्रिक किसी भी तरह के भूत प्रेत के इलाज के लिए संपर्क करें, एक बार इस तांत्रिक से मिलकर देखता हूँ। मोहित तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। चिंता मत कर बेटा, तेरी चिंता आज से मेरी हुई, अब देख मैं उन भूतों का क्या करता हूँ। अगले दिन मोहित भूतिया हॉस्पिटल पहुँचा। तुमने तो कहा था तुम दो इंसान लेकर आओगे, बताओ कहाँ है दो इंसान? जल्दी बताओ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी बताओ, भूख लगी है। दो इंसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ताकतवर तांत्रिक लाया हूँ। तो तुम हो वो चारों भूत? तांत्रिक, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग तो तुम लोगों के साथ करते हो, इलाज का बहाना बनाकर उनका दिल खाते हो, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी तांत्रिक ने एक बहुत ताकतवर मंत्र पढ़ा। अंत्र मंत्र तंत्र, चारों भूत बोतल में बंद। तांत्रिक के ऐसा कहते ही चारों भूत तांत्रिक की बोतल में आ गए। इस तरह एक तांत्रिक की मदद से मोहित ने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया और उन चारों भूतों को पकड़ाकर भूतिया हॉस्पिटल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक शहर में धनीराम नामक सेठ रहता था, दूसरों की तरक्की देखकर बहुत चलता था। सेठ जी, मर्सिडीज लेने की सोच रहा हूँ। बकवास गाड़ी है, मतलब आपके पास भी तो मर्सिडीज ही है ना?
मेरे पास है इसलिए तो कह रहा हूँ, बकवास है। एक दिन धनीराम को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है और धनीराम मर जाता है। कहते हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर चलते हैं, मरने के बाद भूत बनकर वे जलन से भटकते हैं। ये दुनिया मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, यही मौका है बदला लेने का। धनीराम का भूत मौके की तलाश में भटकता रहा और उसे मौका मिल गया। शहर के मशहूर डॉक्टर छाबरा कोरोना वायरस पर वैक्सीन बना रहे थे। दिन रात मेहनत के बाद वे कामयाब हो गए और कोरोना का इलाज उनकी मुट्ठी में आ गया। डॉक्टर, जिन जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया उनके रिपोर्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है लिली। मैं तो कहती हूँ यह वैक्सीन आप इंटरनेशनल कंपनियों को बेच दो। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है लिली, मरीजों और गरीबों की सेवा करना है। ये वैक्सीन सरकारी लैबों में भेज देते हैं, दुनिया को भी फॉर्मूला दे देते हैं, सबका भला हो जाएगा। छाबरा की बात सुनकर धनीराम का भूत जोर जोर से हंसता है। बेवकूफ कहीं का, इसकी जगह पे मैं होता तो वैक्सीन बेचकर अपने हजारों पीढ़ियों का बैठे बैठाए उद्धार करता। मैं भी देखता हूँ ये वैक्सीन कैसे बाहर जाती है। डॉक्टर छाबरा वैक्सीन लेकर सरकारी लैब की तरफ निकलते हैं। तभी कार के पिछले सीट पर धनीराम बैठ जाता है। धनीराम छाबरा का पीछे से गला दबाता है और वैक्सीन छीनता है। गला दबाने से कार का संतुलन छूट जाता है और कार खाई में गिरकर छाबरा मर जाता है। वैक्सीन पाते ही धनीराम का भूत बौखला जाता है। धनीराम एक बड़े न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाता है जहां लाइव डिबेट चल रही थी। भूत देखकर सब डरकर भाग जाते हैं। भूत, भूत, भूत। और धनीराम कैमरे के सामने बैठ जाता है। सुनो वे दुनिया वालों, कोरोना का वैक्सीन मेरे हाथ में है। वैक्सीन बनाने वाले तुम्हारे भगवान डॉक्टर छाबरा को मैंने भगवान के पास भेज दिया है। अब मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कोरोना से बचना है तो मेरी बात मानो। देश में जितने भी गली मोहल्ले हैं, चौक हैं, रास्ते हैं, सबको सेठ धनीराम का नाम दिया जाए। मेरे मंदिर बनवाए जाए, मस्जिदें बनवाई जाए, स्कूल और यूनिवर्सिटीज सबको मेरा नाम दिया जाए। नहीं तो वैक्सीन मैं तोड़ दूंगा, फिर तुम वैक्सीन कैसे बनाओगे? यह सुनकर पूरी दुनिया हिल जाती है। सरकार उलझन में पड़ जाती है और यह केस सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली से पूछताछ करती है तो लिली बताती है, इस वैक्सीन का फॉर्मूला तो डॉक्टर छाबरा के साथ ही खत्म हो गया। अब वैक्सीन की टेस्टिंग करके ही उसे बनाया जा सकता है और वैक्सीन तो धनीराम के पास है। सीबीआई सरकार को रिपोर्ट करती है। सरकार लाचार होकर धनीराम की बात मानती है। सब जगहों से पुराने नाम हटाए जाते हैं और सेठ धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम के मंदिर बनाए जाते हैं, विद्यालयों और यूनिवर्सिटी को भी धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम खुश होता है। जो मैं जीते जी नहीं कर सका वो मरने के बाद कर दिखाया। दुनिया अब मेरे कदम चूमेगी, मेरी बीवी मेरा बेटा कितना खुश होंगे जब वो मेरा नाम देखेंगे। इधर धनीराम दुनिया को सताता रहा और उधर धनीराम की फैमिली रो रही थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा भी कोरोना का शिकार बन गया था। जब यह बात धनीराम को मालूम हुई तो वह अस्पताल गया। मुझे नाम और शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए। आप तो मर गए, अब बेटा न रहा तो मैं कैसे जीऊंगी? धनीराम हैरान होकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरे पास वैक्सीन है, मेरे बेटे को चढ़ाओ जल्दी। इस वैक्सीन का प्रयोग हमें करना नहीं आता, ये तो सिर्फ डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली ही जानती है। धनीराम
लिली को उठा लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा मर जाएगा, उसे बचाओ। इस वैक्सीन का प्रयोग सिर्फ तुम ही कर सकती हो। लिली को लेकर धनीराम अस्पताल आता है। ये लो वैक्सीन, चढ़ाओ मेरे बेटे को, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जल्दी करो। लिली मजबूर थी, वह वैक्सीन चढ़ाती है। वैक्सीन चढ़ाते ही थोड़ी देर में धनीराम का बेटा तड़प कर मर जाता है। हे डॉक्टर, ये क्या हुआ? डॉक्टर चेक करता है और कहता है, ये मर गया है, अंदर जाकर वैक्सीन जहर बन गई। कोरोना से शायद बच भी जाता, पर वैक्सीन ने तो इसकी जान ले ली। धनीराम गुस्सा होकर लिली से कहता है, ये कैसी वैक्सीन बनाई तुम लोगों ने, मेरा बेटा मर गया। ये हमारी नहीं तुम्हारी गलती है बेवकूफ, वैक्सीन बनने के बाद अच्छी तरह स्टोर करना पड़ता है और तुम इसे हाथ में लेकर घूम रहे थे, इसी वजह से यह जहर बन गई। तुम छाबरा को मारकर वैक्सीन चुराते नहीं तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता। वैक्सीन तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम्हारा एक ही बेटा था, अब तुम दूसरा बेटा कहाँ से लाओगे? धनीराम की बीवी धनीराम से कहती है, तुम्हें दुनिया से नफरत थी, तू इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर था? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। धनीराम का भूत बुरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहते हैं आज भी धनीराम का भूत भटक रहा है, आज भी उसे मुक्ति नहीं मिली। पहले नफरत की आग में जल रहा था, आज पछतावे की आग में जल जल कर तड़प रहा है। माफी दे दो, माफी, मुक्ति दे दो, मुक्ति। भूतिया दरबार। बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत सारे डरावने भूत रहते थे। उन सभी का कालीचरण नाम का एक राजा भूत था, जो कि बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था। सभी भूत उससे डरते थे। कालीचरण अपने महल में रहता था और जब भी किसी भूत को न्याय चाहिए होता, वो कालीचरण के दरबार में आ जाता था। महाराज, मैं इतनी दूर शहर जाकर एक मोटा इंसान पकड़ कर लाया था और इसने मेरा इंसान चोरी करके खा लिया। नहीं महाराज, वो इंसान मैं शहर से पकड़ कर लाया था। अच्छा, तो बताओ तुम उसे कौन से शहर से पकड़ कर लाए थे? मैं उसे सूरजगढ़ से पकड़ कर लाया था महाराज। झूठ बोल रहे हो, सूरजगढ़ में तो सदियों से सूखा पड़ा है, इसलिए वहाँ कई सालों से कोई भी इंसान मोटा नहीं हुआ। लंबूभूत, इसे अभी आग में जला दिया जाए। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, महाराज मुझे माफ कर दो। इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी से कालीचरण सभी फैसले किया करता था। एक दिन उस जंगल में राजू नाम का एक इंसान गुजर रहा था, तभी काले भूत और लाल भूत ने उसे देखा। इतना मोटा इंसान, इसे तो मैं ही खाऊंगा। फिर दोनों भूत उसकी तरफ उड़ पड़े। और फिर दोनों ने राजू को पकड़ लिया। इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा है। नहीं, इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा था। इस तरह उन दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर उन्होंने तय किया कि चलो इस इंसान को लेकर भूतों के दरबार में चलते हैं। वो दोनों राजू के साथ भूतों के दरबार आए। लाल भूत ने कालीचरण को सारी बात बताई और कहा, महाराज अब आप ही फैसला कीजिए कि इस इंसान को कौन खाएगा।
ओ इंसान, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें पहले किस भूत ने पकड़ा था। इतने सारे भूतों को देखकर राजू डर गया और वो रोने लगा। मुझे जाने दो, मैं रास्ता भटक गया था इसलिए गलती से जंगल में आ गया। अरे रोना बंद करो, मुझे रोने वाले इंसान अच्छे नहीं लगते। रो नहीं तो और क्या करूं? मुझे काला भूत खाए या सफेद भूत, मैं तो मर ही जाऊंगा ना। रहम करो महाराज, रहम करो। तुम भूतों के दरबार में खड़े हो, यहाँ रहम नहीं होता, सिर्फ न्याय होता है। चलो अब फैसला करते हैं कि इस इंसान को कौन खाएगा। जब तुम दोनों ने इस इंसान को देखा तो ये क्या कर रहा था? जब मैंने इसे देखा तो ये पानी पी रहा था। जब मैंने इसे देखा तो ये रोटी खा रहा था। ओ इंसान, अब तुम बताओ, तुमने पहले रोटी खाई थी या पानी पिया था? मैंने पहले रोटी खाई थी। मतलब काले भूत ने तुम्हें पहले देखा था? मतलब इस इंसान को मैं खाऊंगा। मैंने कहा था ना, इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। तभी राजू को एक आइडिया आया, उसने बड़ी चालाकी से कहा, भूतों के महाराज, लेकिन आपने उस छोटे भूत के साथ बहुत नाइंसाफी की। ये तुम क्या कह रहे हो? माना कि उस काले भूत ने मुझे पहले देखा था, लेकिन मैंने तो उस छोटे भूत को पहले देखा था, और उसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं इस छोटे भूत से ही खाया जाऊंगा, इसलिए मुझ पर उस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये इंसान ठीक कह रहा है, इस पर इस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए, इसलिए इस इंसान को ये छोटा भूत ही खाएगा। तभी वो छोटा भूत बोला, लेकिन महाराज, मैं इंसान नहीं खाता। क्या महाराज, फिर तो आपको मुझे जाने देना चाहिए, यही न्याय है, और इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। कालीचरण को राजू की बात सही लगी, उसने कहा, ये इंसान सही कह रहा है, अगर छोटा भूत इसे नहीं खाना चाहता तो इस इंसान को जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी और चालाकी से राजू इतने खतरनाक भूतों के बीच में से बचकर निकल आया, और काला भूत और लाल भूत उसे देखते ही रह गए।